मुरैना जिले के बानमोर से 4 किलोमीटर दूर कलिंदे का पूरा बांध में नहाने गए दो युवक डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने बोट के सहारे 4 घंटे तक मशक्कत की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अंधेरा होने पर 7:30 बजे सर्चिंग बंद कर दी गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर में सोनू जाटव निवासी बानमोर और उसके रिश्तेदार मनीष जाटव निवासी सिग्नल बस्ती मुरैना 3 अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कलिंदे के पूरा डैम पर गए थे। ये लोग नहा रहे थे, तभी वहां एक युवक जो पहले से डैम में नहा रहा था वह डूबता दिखा, तो मनीष शाटव और उसका एक साथी उसको बचाने के लिए गहरे पानी में चले गए। उस युवक के साथ मनीष भी गहरे पानी में डूब गया। मनीष का एक साथी किसी तरह गहरे पानी से बाहर निकल आया। सूचना मिलते ही एसटीओपी बानमोर दीपाली चंदोरिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने मुरैना से एसटीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने बोट के सहारे सर्चिंग शुरू की। मनीष के बांध में डूबने की खबर मिलने पर परिवार मौके पर पहुंच गया और बेटे के नाम मिलने पर पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। 4-5 लोग हम थे, वो एक वो लड़का था, वो पता नहीं था कहाँ का था, वो पहले से ही नहा रहा था। उसके साथ में थे 5 लोग, बचाने के चक्कर में वो वहीं पे था। उसने सोची कि मैं इसको खींच लाऊंगा, वो साथ में वो भी चला गया। हाँ, उसके साथ में मैं भी चला गया था, पर मैं वहाँ से निकले आ जाऊँगा। आज शाम को बामोर थाने पर सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे नहाने गए थे डैम पर, कलिंदे के पुरा में जो डैम है वहाँ पर, तो उसमें एक छोटा बच्चा जो था 10-12 साल का वो डूबने लगा। तो उसमें 3 दोस्त जो साथ नहा रहे थे वो उसे बचाने के लिए दौड़े, तो उसमें से एक बच्चा जो था मनीष नाम है उसका, वो भी डूब गया। जो छोटा बच्चा था वो भी डूब गया और एक बच्चा जो और डूब रहा था वो डैम से बच के बाहर निकल आया। और इन्हीं दोनों की तलाश करने के लिए हमारे द्वारा मुरैना से अभी एसडीआरएफ की टीम बुलवाई गई है जो लगातार सर्चिंग कर रही है, और आगे जैसे ही बॉडी मिलती है अग्रिम साथ। एक सिंगल बस्ती मुरैना बामोर का ही है जी, मनीष नाम है जिसका, और एक छोटा बच्चा भी अज्ञात है। खबर करवा दी गई है पूरे क्षेत्र में, जैसे ही थाने पर उनके पेरेंट्स आते हैं तो उसकी भी पहचान कर ली जाएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।